विनोद बिहारी मातो कोयलांचल विश्वविद्यालय का पहला युवा महोत्सव शुक्रवार से शुरू हुआ। 3 दिवसीय युवा महोत्सव में धनबाद और बोकारो के युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों ने धनबाद के वाचन वार्ड कॉलोनी की मैदान से रैली निकालकर शहर भ्रमण करते हुए गुरु नानक कॉलेज पहुंचे। यहाँ कॉलेज के सभागार में महोत्सव का उद्घाटन सांसद पीएन सिंह ने किया। मौके पर टुंडी विधायक राजकिशोर महतो, कुलपति प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। इस तरह के आयोजन को काफी सराहा। वहीं बच्चे ने बताया कि अपनी प्रतिभा को दिखाने का सर्वोत्तम मंच युवा महोत्सव है। इस युवा महोत्सव में धनबाद और बोकारो के करीब 20 से अधिक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई राजस्थानी, कोई गुजराती, अलग अलग डांस को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने दिखाते हैं कि हमारा देश एक है। हम लोग लाख डाइवर्सिटी दिखाए या लाख अनेकता दिखाए, पर हम अंदर से एक है, हम भारत माता की जय। हम लोग बहुत उत्साही है क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत किस्म किस्म के इवेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ हम सब अपना 101% देने के लिए आए हैं क्योंकि सबको ये मौका मिलता है अपने आप को दिखाने का, अपने आप को इस स्टेज में लाने का। सबको ये मौका नहीं मिलता। बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत उत्साहित हैं हम लोग। एक सप्ताह, एक महीना से प्रिपरेशंस कर रहे हैं आज के दिन के लिए और आज हम लोग का झांके निकले। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि पहला बीबीएम के यू का हम लोग का युवा महोत्सव है। इसलिए हम लोग बहुत, क्योंकि पहली बार धनबाद में ऑर्गेनाइज हो रहा है और हम लोग सबको प्लेटफॉर्म मिले क्योंकि हम लोग हजारीबाग नहीं जा पाते थे, इसलिए हम लोग सब बहुत खुश हैं। हाँ, ये ऐसा आयोजन होना चाहिए क्योंकि इसमें एक्चुअली सिर्फ हमारा हमें पढ़ाई तक सीमित ही रखना चाहिए। हम लोग का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और बाकी सभी पार्ट्स जैसे हम लोग का जो होता है अंदर में वो निखरता है, पर्सनालिटी डेवलप होता है। इसीलिए विश्वविद्यालय को ऐसा कार्यक्रम हर साल करना चाहिए स्टूडेंट्स लोग के लिए। हमारे कॉलेज में हर एक एक्टिविटीज होती है जिससे कि यह साबित होता है कि हम लोग कभी कोई चीज में पीछे नहीं है और हम हर झारखंडी हो या पंजाबी हो, कुछ भी हो, हर चीज में हमें आगे रहना चाहिए। जब तक हम अपना एक्टिविटीज नहीं दिखाएंगे तो ये पता कैसे चलेगा कि हम लोग कितनी और कितने आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अभी तक का सबको हम लोग से एक ये मिलेगा कि हाँ, सभी को एक लड़की डांस करिए रोड पे, जिससे कि सबको नॉलेज आएगा कि हाँ, लड़की को डांस कराओ, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ कराओ, जिससे कि सब आगे बढ़ेगा।